नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। मैं अशोक कुमार आज MS Word की नेक्स्ट सीरीज में टेबल से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ। MS Word की फाइल में या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को हम कैसे यूज करते हैं। कई बार आपको न्यूमेरिक डेटा को टेबल के अंदर अरेंज करना होता है, तो इसके लिए आपको एक टेबल की जरूरत होती है और इस टेबल को कैसे यूज करते हैं, तो चलिए आज हम सीखते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा है पेजेस। चलिए पेजेस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कवर पेज, पैराग्राफ, ये सपोज कीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। अब इस डॉक्यूमेंट का अगर आपको कवर पेज बनाना है तो आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ कवर पेज के आपको लेआउट्स गिवन है, जो भी लेआउट आपको अच्छे लगते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये यूज किया है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स हैं इसके बारे में गिवन से, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर कवर पेज कोई भी जो भी आपको फॉर्मेट आपको अच्छा लगे। सपोज कीजिए मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपका टाइटल पेज यानी कवर पेज बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई टाइटल आपको टाइप करना है तो आप इसमें एडिट कर लीजिए। मैंने कवर पेज का टाइटल दिया है डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी जो आप नाम रखना चाहते हैं अपनी फाइल का वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंपनी नेम, और कंपनी का एड्रेस अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। तो अब आप देखेंगे ये आपका डॉक्यूमेंट है और इस पे ये हमने एक टाइटल क्रिएट किया है यानी कवर पेज बनाया है। नेक्स्ट आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या करता है इस फाइल्स के अंदर, अब आप देखेंगे एक तो हमारा कवर पेज है, सेकंड वाला ये जो आपका डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे थे इसमें एक पेज आपको डिफॉल्ट मिला था। अब आगे इसमें फर्दर कोई आपको पेज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके यानी ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, इंसर्ट ब्लैंक पेज। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस शो कर रहा है, पेज नंबर 3 यानी जो कर्सर की जो पोजीशंस है वो इस फाइल के अंदर 3 पेजेस हैं और उसमें से एट प्रेजेंट जो लोकेशन है आपकी वो पेज नंबर 3 है। तो आप यहाँ पे ऐसे पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारी फाइल में 3 पेजेस हैं। फिर आता है ब्रेक पेज, यानी किसी भी पेज को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे यहीं से मेरा पेज नया पेज क्रिएट हो जाए, यहां से ये मैटर नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ब्रेक पेज और यहां से अब आप देखेंगे एक नया पेज क्रिएट हो गया है यहाँ से, यानी न्यू पेज पे पेंडिंग मैटर आपका चला गया है। कहां से ब्रेक करेगा, जहां पे आपका कर्सर है वहीं से ये पेज को ब्रेक करता है। तो अब आपके पास टोटल पेजेस इस फाइल के अंदर 4 है, जिसमें से एट प्रेजेंट पेज नंबर आप 2 यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टेबल। अगर हम बात करें टेबल की, एमएस वर्ड के अंदर टेबल को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे टेबल टैब के अंदर आप टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल की अगर डेफिनेशंस की बात करें, टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। यहां से ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है अभी मैं जो इंसर्ट कर रहा हूं, यानी ऐसे लेयर्स आप लेंगे, यहां से आ जाएंगे नंबर ऑफ रोज, कितने रो आपको चाहिए वो आप यहाँ से जितना भी सिलेक्ट करेंगे उतना, यानी जैसे अभी 4, और इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये जो बना नंबर ऑफ कॉलम, अभी मेरे पास क्या है 4/2 यानी 4 रोज 2 कॉलम। मैं एक लाइन और सिलेक्ट करता हूँ 4 कॉलम 3 रोज, 4/4, 4/5, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये हुआ टेबल इंसर्ट, यानी वहां से डायरेक्ट आपने नंबर और कॉलम को सिलेक्ट किया तो ये आ गई बन के आपकी टेबल। या फिर दूसरा पैटर्न क्या है, टेबल पे क्लिक करेंगे और यहां से इंसर्ट टेबल पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो यहां पे जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम आपको चाहिए। टेन नंबर ऑफ रोज, मैं कहता हूं यहां से 6। ओके,
अब यहां से जो ये टेबल मैंने क्रिएट की है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आपके इंसर्ट हो गए। अब हम इस पे कुछ काम करते हैं। चलिए यहाँ पे हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इस पे टेबल पे अच्छे से काम कर सकें। रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और यहां पे हम कर देते हैं टोटल। ठीक है, ऐसे आप एमएस वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपना डेटा वगैरह इंसर्ट कर लेना, जैसा भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस पर्पस के लिए आप टेबल को यूज करना चाहते हैं। फर्दर टेबल्स के टूल के बारे में अगर हम देखें तो आपको क्या गिवन है। यहाँ से हमने देखा टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल से यूज किया। फिर थर्ड पैटर्न आपके पास ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या करती है, अगर आप वहां से नहीं लेना चाहते तो आप पेंसिल की हेल्प से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से ड्रॉ किया, अब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो जितने भी आपको इसमें बनाने हैं यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जितने भी आप लाइनें लगाएंगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपके बन जाएंगे। ये भी सेम ऐसे ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट कमांड गिवन है टेबल के अंदर आपको, एक्सेल सेपरेट शीट। अगर हम बात करते हैं एक्सेल सेपरेट शीट की, देखिए एमएस वर्ड के अंदर जो ये फाइल है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, यानी इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह आप लिख के काम कर सकते हैं। एक्सेल सेपरेट शीट की अगर बात करें तो एक्सेल के अंदर जो, जैसे एमएस वर्ड के अंदर आप यहाँ पे इसको पेज बोलते हैं, तो वहां पे एक्सेल की सेपरेट शीट कहलाती है। एक्सेल के अंदर इसको सेपरेट शीट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेज के ऊपर कंप्लीट शीट इंसर्ट आपकी होके आ जाती है। जैसे ये एक्सेल का फॉर्मेट आपको गिवन होता है तो यहां से एक्सेल की शीट एक आपको इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से भी, बाकी डीपली हम एक्सेल्स के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स के अंदर क्या होता है, आपको कुछ फॉर्मेटेड टेबल मिलती हैं, आप चाहें तो इसे भी यूज करके यहां से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां से ये कुछ टेबल के फॉर्मेट आपको गिवन है, जिस भी फॉर्मेट की टेबल आप लेना चाहें वो टेबल आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये टेबल का टूल है आपका, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। फर्दर फॉर्मूलाज वगैरह कैसे यूज करने हैं टेबल पे, ये हम चल के एक्सेल्स के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम टेबल्स टूल के अंदर बात करते हैं, ये कमांड थी, मेन था हमारा टेबल्स कैसे क्रिएट करनी है, टेबल्स एमएस वर्ड के अंदर कैसे
यूज करनी है, तो इस पे जो भी काम करना है यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसे आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं। टेबल्स के अंदर फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये सब हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर। अभी हमें सिर्फ बेसिक देखना है कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब टेबल से रिलेटेड फॉर्मेटेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलुस्ट्रेशंस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।